हम लोग पीस पार्टी की दूसरी लाइव वीडियो में आ गए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। आज भी हर बार की तरह हमारे पास कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैराना और नूरपुर के उपचुनाव में जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? दोनों ने इस मुल्क की सियासी तस्वीर को और सियासत को बदल दिया है, और सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर मिलजुल करके चुनाव प्रतिपक्ष के लोग चुनाव में हिस्सा लिए तो आने वाली सरकार जो है वो भाजपा के बजाय गठबंधन की सरकार बनेगी, और इसमें भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ उनके जातिवादी और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ जो उनकी नीतियाँ थीं और जो सामंतवादी उनकी विचारधारा था उसके खिलाफ जितनी जाम जनता में जो आक्रोश था वो आक्रोश उभर करके आया है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता सहनशील है और धार्मिक उन्माद से परे है। थोड़े देर के लिए 2014-17 में उन्हें मजहब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश भाजपा ने किया था, और इस चुनाव में भी सब कुछ इस्तेमाल किया है। और चुनाव के बाद वो ये कहने लगे कि राम पर अल्लाह की विजय है, जीत हो गई है, हिंदू पर मुसलमान की जीत है, मगर उस भ्रम में है कि अब ये सारे कार्ड जो धार्मिक उन्माद भड़काने वाला था वो काम नहीं करेगा। और यहाँ की जो जनता की जो मानसिकता है, जो भाईचारगी की मानसिकता, जो मानवीय मानसिकता है, मैं समझता हूँ कि उसकी जीत हुई है और इस भारतीय कल्चर की जीत हुई है। और इस कल्चर के लिहाज से जो उन्माद फैलाना भाजपा चाह रही थी वो उन्माद फैला नहीं है, और मैं इसके लिए नूरपुर और कैराना की आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मगर सियासी तौर पर इसमें मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी का जो एक सबको साथ लेकर चलने वाला जो उनकी विचारधारा है, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा कारगर हुआ है, और राष्ट्रीय लोकदल ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई है, बसपा ने भी निभाई है, पीस पार्टी और निषाद पार्टी ने भी निभाई है। तो इन पार्टियों ने मिल करके जो एक सकारात्मक माहौल बनाया है जिससे आवाम को एक विकल्प मिल गया है, तो जनता की विचारधारा के साथ साथ इन सभी दलों ने जो मिल करके बनाई है, और कांग्रेस ने भी परोक्ष तौर पर उसकी हिमायत की है, मैं समझता हूँ सब दलों की जो सकारात्मक मानसिकता है, जो सोच है, मिलजुल करके सांप्रदायिक ताकतों को, सामंतवादी ताकतों को जो हराने की और एक मानववादी सरकार बनाने की जो सोच है उसकी जीत हुई है। और इसके लिए मैं सभी सपा बसपा कांग्रेस में अति दलित अति पिछड़े की बात करते हैं, क्या इससे समाज में और बंटवारा पैदा तो नहीं होगा? पहले से ही भारतीय समाज बटा हुआ है, और इसकी देखिए हमारे जो संविधान ने और संविधान के बनाने वालों ने समाज के कमज़ोर वर्गों को विकसित करने का एक फार्मूला सेकुलर के साथ साथ सोशलिस्टिक संविधान कहलाता है, वो इसीलिए कि जिसमें समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे बढ़ने का, विकास करने का अवसर दिया जाए, और उसने व्यवस्था दी है कि हर 10 साल में समाज के लोगों को जो सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर, तालीमी तौर पर जो पिछड़ गए हैं उनको चिन्हित किया जाए, वो जातियों के आधार पर चिन्हित कर लिया जाए, और फिर उन्हें रिजर्वेशन की आबादी के हिसाब से दिया जाए ताकि वो विकसित हो सकें। तो हमारा जो काम है वो राष्ट्रीय भावना के अनुरूप, मानवीय भावना के अनुरूप और देश के संविधान के हिसाब से है, क्योंकि जो समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है वो अति दलित और पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े में भी सबसे कमज़ोर वर्ग अति पिछड़ा है, और दलितों में भी सबसे कमज़ोर वर्ग अति दलित वर्ग है, जिसे महादलित भी कहते हैं। इसलिए चूँकि पीस पार्टी का ये एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसका मिशन है कि
कि समाज में जो सबसे कमज़ोर वर्ग तबके के लोग हैं, जिनको अभी तक विकास का और समाज में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है, मौका नहीं मिला, उन्हें मौका मिले और उनको विकसित करने का काम किया जाए। ये संविधान ने ये कहा है कि मजहब के आधार पर समाज में बंटवारा नहीं हो सकता और मजहब के आधार पर न तो किसी को आरक्षण दिया जा रहा है या किसी को विकास किया जा सकता है और मजहब के आधार पर किसी को विकास करने से रोका नहीं जा सकता। मगर 1950 10 अगस्त 1950 को भी कांग्रेस की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुसलमानों को, सिर्फ हिंदू को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया, जो संविधान के खिलाफ है। और संविधान ये कहता है कि मजहब के नाम पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ना आरक्षण लिया जा सकता है। तो संविधान के खिलाफ तो कांग्रेस की सरकार 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तभी से उसके विरुद्ध काम कर रही है। और देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने को सेकुलर कहती है और देश और संविधान का और राष्ट्रीयता की जो बात करती है, शपथ लेती है, मगर इसके खिलाफ नहीं बोलती जो संविधान के खिलाफ है। तो पीस पार्टी ये कहती है कि बिना धार्मिक भेदभाव के लिए सभी दलितों को आरक्षण मिलाया जाए। तो आज हिंदू दलित को अनुसूचित जात का आरक्षण है, बुद्धिस्ट को अनुसूचित जात का आरक्षण है, सिख को अनुसूचित जात का आरक्षण है, मगर मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं है, जो एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश में सभी की सभी पार्टियां हैं। इसलिए पीस पार्टी सबके मुखालिफ करते हैं, सबके इन विचारधारा का विरोधी है और ये चाहती है कि किसी को न दिया जाए। मैं नहीं कहता हूँ मुसलमानों को आरक्षण देना उनकी आबादी के हिसाब से, तो ये तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2008 में उन्होंने कहा है। 2007 में सच्चर कमीशन कमेटी ने कहा कि मुसलमान एज ए होल दलितों से भी पिछड़ गया है और संविधान कहता है कि जो समाज पिछड़ जाए, अगर मुसलमान एज ए होल पिछड़ गया है तो संविधान ने कहा कि जो समाज पिछड़ जाए, तो मगर धर्म के नाम पर नहीं, किसी को आरक्षण एक धार्मिक के नाम पर है, मगर अगर पूरा एक धर्म विशेष के लोग पिछड़ जाते हैं, जिसको एक कमेटी कहती है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहती है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से 15% आरक्षण दिया जाए, तो हम तो उस कमीशन की बात करते हैं और वो एक लीगल सेंटिटी है, वो कानूनी अधिकार है मुसलमानों का 15% आरक्षण मिलना उनकी आबादी के हिसाब से सभी चीज़ों में। तो मैं तो उस नियम की बात करता हूँ। तो 15% आरक्षण मिलना मुसलमानों को एज ए होल, क्योंकि ये दलितों से पूरा का पूरा मुसलमान पिछड़ गया है, इसलिए संविधान के हिसाब से भी ठीक है और रंगनाथ मिश्र कमीशन के हिसाब से ठीक है। मगर मुसलमान दलित मुसलमानों को मजहब के हिसाब से आरक्षण न मिलना, ये संविधान के विरुद्ध है और राष्ट्रीयता के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, जो आज तक चला जा रहा है। मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए और ये जो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। और पीस पार्टी की अगर सरकार में हिस्सेदारी होती है या भागीदारी होती है, तो पीस पार्टी धर्म के नाम पर अनुसूचित जाति में जो मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण नहीं मिल रहा है उसे खत्म करेगी और बिना किसी धार्मिक भेदभाव को सभी को आरक्षण देगी और संविधान की जो मूल मंशा है कि जो भी समाज पिछड़ गया है उसे आरक्षण देने का काम करेगी। हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल ये है कि मोदी के 4 साल और योगी के 1 साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का 4 साल, मोदी जी ने एक, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि यू कैन मेक फूल स्मॉल पीपल फॉर द लार्ज टाइम, लार्ज पीपल फॉर स्मॉल टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत थोड़े से लोगों को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों को थोड़े दिन के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर सभी को सभी हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मोदी जी हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू भावना को भड़का करके अगर 20 साल हुकूमत वो गुजरात में कर सकते हैं, छोटे इलाके में कर सकते हैं, तो पूरे देश में नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि वो मुसलमानों के विरुद्ध बात करते हैं, गौकशी को वो कहते हैं कि कत्ल खाने से बनाइए,
जहाँ तक बूचड़ खाने को उन्होंने कत्ल खाने का नाम दे दिया है, गौ माता की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, मर वहीं उनकी गोवा में सरकार है, जहाँ गाय काटी जाती है वहीं उनकी सरकार दमन में है जहाँ गाय काटी जाती है, पूर्वोत्तर में उनकी सरकार बनी है जहाँ गाय काटी जाती है वहाँ गाय का नाम भी नहीं लेते, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं, केंद्रीय मंत्री कहते हैं गाय का मांस खाते हैं, तो ये पूरा का पूरा धर्म का इस्तेमाल, इस देश का इस्तेमाल, राष्ट्रीयता का इस्तेमाल सिर्फ वो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए करते हैं, उनको न देश से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है, न गाय गोबर से मतलब है, इनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बल्कि देश को गुमराह करके जनता को बरगला करके सरकार बनाने का काम करते हैं, और यही काम भड़काने का मैं समझता हूँ थोड़ी देर के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली 2014-17 में, पर और कामयाबी नहीं हासिल करती है, जो भी उन्होंने वादा किया था वो सारे वादे के वादे रह गए, कोई भी वादा उनका पक्का नहीं, खरा नहीं उतरा, देश तरह तरह कर रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, मोदी का जो एक साल है, मोदी जी एक छोटे से मठ को चला रहे थे, सोचा लोगों ने कि मठ के नाम पर पूरे प्रदेश को चला लेंगे, मगर पूरे प्रदेश जो है हाहाकार कर रहा है, तानाशाही, जिस तरह से एक मंदिर में तानाशाह थे उसी तरह सरकार में तानाशाह हैं, जहाँ जनता की कोई बात नहीं सुनने वाला है, न तो उनके विधायक सुनने वाले हैं, न तो उनके सांसद सुनने वाले हैं, कोई अधिकारी जनता की बात सुनने के बजाय सिर्फ लूट पर लगा हुआ, लूट खसोट पर लगा है, भ्रष्टाचार 5 से 7 गुना बढ़ गया है, अराजकता बढ़ गई है, जनता हर तरीके से त्रस्त है, मैं समझता हूँ जनता से भी चेहरे को उनको पहचान गई, जान गई है, और आने वाले 2019 और 2022 के चुनाव में इन्हें पूरा जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ, तो शुक्रिया।